हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है इंडियन और चाइनीज़ वाला पॉपुलर स्नैक्स। खट्टे मीठे और नमकीन वाला बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स है। बोनलेस चिकन से बनाएंगे। यहाँ पे शुरू करेंगे बनाना। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम यानी कि 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को कट करके बोनलेस कर लिया है ऐसा छोटा छोटा पीस, और इसको यहाँ पर मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टी टेबल स्पून सॉल्ट लिया है और 1 टी टेबल स्पून अजीना मटो लिया है और 1 टी टेबल स्पून वाइट पेपर लिया है और चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस 1 टी टेबल स्पून और टमाटो सॉस, रेड चिल्ली सॉस 1 टी टेबल स्पून और टमाटो सॉस 1 टी टेबल स्पून। ये सोयाबीन सॉस है, यहाँ पे 2 ड्रॉप डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालने का है, इसको बाद में फिर डालने का है। और लेमन येलो यहाँ पे मैंने थोड़ा फूड कलर लिया है और एक कच्चा अंडा यानी कि 1 रॉ एग। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टी टेबल स्पून और यहाँ पे मैदा फ्लोर 1 कप और कॉर्न फ्लोर 1 कप। अब इसको मिला लेंगे, यहाँ पे अच्छा मिला लेंगे, ऐसा मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट कर होने के बाद में 10 मिनट रख लेंगे इसको। 10 मिनट के बाद में एक पैन पे या कढ़ाई पे आयल लेके उसको लाइट गरम कर लेंगे। गरम कर लेने के बाद में उस आयल पे इसको तलना है यानी कि फ्राई करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आयल मैंने लिया है और आयल में ऐसा एक एक डालकर फ्राई कर लेंगे इसको मीडियम फ्लेम में। आँच ज़्यादा ना बढ़ाएं, मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। यहाँ पे हमारा बोनलेस चिकन फ्राई हो रहा है और ये जब गोल्डन कलर आ जाएगा, जब इसको निकाल के छन्नी में ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कितना शानदार ज़बरदस्त कैसा हमारा ये मैरिनेट होने के बाद में आयल में फ्राई हुआ है। 10 मिनट के बाद ये ऐसा फ्राई हो जाएगा। हमारा 10 मिनट हो चुका है मीडियम फ्लेम में, ऐसा ब्राउन कलर गोल्डन कलर आ जाएगा, जब समझना कि ये हमारा बिल्कुल पक चुका है। अब इसको यहाँ पे निकाल कर स्ट्रेनर में छन्नी में फिल्टर कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया पक चुका है, यहाँ पे कलर भी आ गया है। देखें यहाँ पे कैसा ज़बरदस्त पक गया है ये। नेक्स्ट ऑनियन यहाँ पे लेंगे 1 मीडियम साइज़ का, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक और जिंजर और ये धनिया पत्ते। और यहाँ पे सॉस मैंने 4 आइटम लिया है, टमाटर सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस और रेड चिली सॉस। नेक्स्ट एक पैन पे 50 ग्राम्स आयल लेंगे, नाइस जिंजर अदरक और नाइस गार्लिक यानी कि लहसुन, नाइस ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्ची या नाइस ऑनियन, ये सब 1/2 कप है। इसको फ्राई कर लेंगे, इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई होने के बाद में ये डीप फ्राई हो गया है, देख सकते हैं। अब इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। मैंने जो कप से मैदा और कॉर्नफ्लोर वहाँ पे ऐड किया था, सेम ऐसी कप से ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टी टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टी टेबल स्पून अजीना मटो और वाइट पेपर, यहाँ पे 1 टी टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टी टेबल स्पून और टमाटा सॉस 1/2 टी टेबल स्पून, रेड चिल्ली सॉस 1 टी टेबल स्पून, ग्रीन चिल्ली सॉस 1 टी टेबल स्पून, सोया सॉस 1/2 टी टेबल स्पून ऐड कर लिया है मैंने। आप इसको पका लेंगे 1 मिनट। देख सकते हैं पकाने के बाद में इस तरह का ग्रेवी हो जाएगा। होने के बाद में हमारा जो चिकन बोनलेस आयल में फ्राई होकर है उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड कर लेके ज़्यादा नहीं, 2 मिनट पकाना है इसको। 2 मिनट पकाने के बाद में धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेके अलग सा प्लेट में इसको शिफ्ट कर लेंगे। एकदम ज़बरदस्त स्नैक्स, खट्टे मीठे और नमकीन, मसालेदार, इंडियन और चाइनीज़ वाला पॉपुलर डिश है ये। खाने में बेहतरीन टेस्ट होता है, ज़रूर बनाएँ और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा हुआ हमारा रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।